हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे स्पेशल टूल्स का एक्यूरेसी कितना होता है, कौन सा टूल्स स्पेशल होता है और कौन सा स्पेशल टूल्स का कितना एक्यूरेसी होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं ये स्पेशल टूल्स क्या होता है और कितना स्पेशल टूल्स होता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो ये स्पेशल टूल्स होता है वो वर्नियर कैलिपर, ये भी एक स्पेशल टूल्स है। वर्नियर कैलिपर एक स्पेशल टूल्स है। और वर्नियर कैलिपर कितने प्रकार का होता है और इसका एक्यूरेसी कितना होता है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, वर्नियर कैलिपर तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। होता है सिंपल वर्नियर क्लिपर, दूसरा होता है डायल वर्नियर क्लिपर और तीसरा होता है डिजिटल वर्नियर क्लिपर। ये जो सिंपल वर्नियर क्लिपर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का होता है। जैसे मान लीजिए 150 mm का हो गया, 300 mm का हो गया, और उसके पास हो गया 450 mm का और 600 mm का, इस तरह से कई साइज़ का होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे आप वर्नियर क्लिपर, जो सिंपल वर्नियर क्लिपर है, इसका एक्यूरेसी होता है, दो तरह का एक्यूरेसी होता है। पहला होता है 0.02 डिवीज़न और दूसरा होता है 0.05 डिवीज़न। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर, जो सिंपल वर्नियर कैलिपर होता है, इसका दो तरह का एक्यूरेसी होता है। आप जैसे जान लिए 0.02 डिवीज़न और 0.05 डिवीज़न, दो प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे क्या डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं कि डायल वर्नियर कैलिपर, इसका एक्यूरेसी होता है 0.01 डिवीज़न। ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का होता है, 150 mm का होता है, 300 mm का होता है, 600 mm का, ये भी। अब हम बात करेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर, सबसे पहले आपको बता दें कि यूज कहाँ पे होते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर यूज होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का वो DID और डेप्थ मेजर करना है, तो वहाँ पर हम वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर, तो इसका भी एक रूसी होता है 0.01 डिवीज़न। एक mm में 100 डिवीज़न होता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये जो भी एक रूसी डिवीज़न में होता है वो स्पेशल टूल्स के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप वर्नियर कैलिपर। अब हम बात करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। तो माइक्रोमीटर के बारे में हम जानेंगे, तो माइक्रोमीटर भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, और दूसरा होता है इनसाइड माइक्रोमीटर, और तीसरा होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसका कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे मान लीजिए कि हमको कपलिंग लगाना है, तो जो शाफ्ट होता है उसका हमें मेजर करना है, क्योंकि जो कपलिंग और शाफ्ट होता है पूरा एकदम 0-0 मेजर करना होता है। तो इसके लिए उस जगह पर हमें शाफ्ट को मेजर करने के लिए आउटसाइड का ज़रूरत होता है, तो वहाँ पर हम आउटसाइड से शाफ्ट को मेजर करते हैं। अब आउटसाइड का एक्यूरेसी कितना होता है, तो आउटसाइड का जो एक्यूरेसी होता है वो 0.01 डिवीज़न का होता है, वो भी 1 डिवीज़न का होता है। अब हम बात करेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर का। तो इनसाइड का जैसे यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कपलिंग का डिस्टेंस मेजर करना है, या दो अलग अलग इक्विपमेंट है, जैसे दो अलग अलग पार्ट्स है, उसका सेंटर का जो गैप है इक्वल 0-0, उसको मेजर करना है, तो उसको हमें इनसाइड माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे, ताकि हमारा जो भी एक्यूरेसी मिले वो हमारा 0-0 मिले, जो भी हमारा रीडिंग मिले वो 0-0 मिले। हम बात करेंगे दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर का। ये जो आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है, उसका क्या है, उसका जैसे किसी भी चीज़ के गहराई में, डेप्थ में मेजर करना है, यानी डीप में, उसको बोलते हैं गहराई भी बोल सकते हैं, डेप्थ या डीप कुछ भी बोलिए। तो किसी भी इक्विपमेंट का गहराई में हमको मेजर करना है, तो वहाँ पर हमें डेप्थ माइक्रोमीटर चाहिए। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का भी एक्यूरेसी होता है 0.01 डिवीज़न। ये तीनों का स्पेशल टूल्स है, इसका तीनों का आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ये तीनों का एक्यूरेसी होता है 0.01 डिवीज़न। अब हम बात करेंगे दोस्तों जैसे डायल गेज के बारे में। आप डायल गेज के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में जान लेते हैं। इसके पहले जानते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको शाफ्ट का रन आउट चेक करना है, तो वहाँ पे आपको डायल गेज की जरूरत पड़ेगा, और एक मैग्नेटिक स्टैंड का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक स्टैंड में लगा के उसको और डायल गेज से फिर हम उसको रन आउट चेक करते हैं, तो वहाँ पे डायल गेज की जरूरत पड़ता है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए आप अलाइनमेंट करने जा रहे हैं, रिवर्स अलाइनमेंट हो गया, रिम फेस अलाइनमेंट हो गया,
तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ता है इसका, डायल गेज का। उसके बाद से मान लीजिए शॉर्ट फुट चेक करना है, वहाँ पे भी हमें डायल गेज की ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद से जैसे अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट का ज़रूरत होगा तो वहाँ पे आपको डायल गेज का ज़रूरत है। तो डायल गेज का जो एक रूसी होता है वो होता है 0.01 डिवीजन, उसका भी एक रूसी होता है। उसके बाद से अब मान लीजिए कि फीलर गेज की बात कर लेते हैं, तो ये जो फीलर गेज होता है, ये फीलर गेज जैसे मान लीजिए बहुत जगह में यूज होता है, जैसे मान लीजिए दो फ्लांज है उसका गैप डिस्टेंस वो भी चेक करना है तो वहाँ पे फीलर गेज का जरूरत पड़ेगा, तो फीलर गेज हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए हमको अलाइनमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट फुट चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट फुट जब हम चेक करते हैं तो हमारे जो गैप होता है बेस का और मोटर का जो बीच का गैप होता है उसको हम मेजर करते हैं, उसके लिए हमें फीलर गेज का जरूरत पड़ता है। इसका भी एक रूसी होता है 0.02 डिवीजन से लेके और 1 mm 2 mm तक होता है। तो वहाँ पे अब हम दोस्तों बात करते हैं मास्टर लेवल के बारे में। मास्टर लेवल का एक रूसी होता है, ये भी दो तरह का एक रूसी होता है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज का मास्टर लेवल भी होता है। 1.5 mm का भी होगा, 2 mm का, ऐसे 2.5 mm का भी होता है। और इसका एक रूसी दो तरह का आपको बताया, एक रूसी होता है, एक होता है 0.04 डिवीजन और एक होता है 0.010 डिवीजन, यानी 10 डिवीजन का भी होता है और 4 डिवीजन का होता है मास्टर लेवल का एक रूसी होता है। मास्टर लेवल कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, तो जब भी अलाइनमेंट कोई भी मोटर पंप हो, गियर बॉक्स हो, कुछ भी हो, टरबाइन हो, कुछ भी अलाइनमेंट इक्विपमेंट करना है उससे पहले उसको मास्टर लेवल किया जाता है, ताकि हमारा पूरा बराबर मास्टर लेवल हो जाए, ताकि हमको अलाइनमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो मोटर पंप हो गया, गियर बॉक्स हो गया, कंप्रेसर हो गया, इससे पहले अलाइनमेंट से पहले उसको मास्टर लेवल किया जाता है, तो वहाँ पर हमें मास्टर लेवल की ज़रूरत होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक हो गया बोर गेज। बोर गेज जैसे हमको मान लीजिए कोई भी पाइप है, कोई भी मतलब पाइप आईडी वाला इक्विपमेंट है हमका, उसका आईडी पता करना है छोटा है, तो हमें एक बोर गेज होता है, डायरेक्ट बोर गेज डालेंगे तो हमारा उससे तुरंत मालूम चल जाएगा आईडी उसका कितना है। अभी मान लीजिए बोर गेज का एक्यूरेसी होता है 0.5 डिवीजन, यानी 50 डिवीजन में उसका एक्यूरेसी होता है। अब हम बात करेंगे टेपर गेज के बारे में, तो टेपर गेज भी सेम बोर गेज का ही जैसा होता है, लेकिन एक साइड उसका बराबर रहेगा और दूसरा साइड टेपर रहेगा, मतलब इस तरह से वो टेपर गेज रहेगा। उसका भी सेम काम है, आईडी का मेजर करना होता है, टेपर में आईडी है तो उसको मेजर करेगा, और उसका भी एक्यूरेसी होता है 0.5 डिवीजन, मतलब 50 डिवीजन होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों टेलीस्कोपिक गेज के बारे में। टेलीस्कोपिक गेज के बारे में हम जानेंगे, टेलीस्कोपिक गेज क्या है और उसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टेलीस्कोपिक गेज होता है, तो बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, बहुत सारा ऐसे जगह होता है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है, जैसे हम देख नहीं सकते हैं, उस जगह पे हमें टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट है उसके अंदर में, या कोई ऐसा इक्विपमेंट है, या कोई भी ऐसा टैंक ही मान लीजिए, या कोई पाइप है, या कोई इक्विपमेंट है उसके अंदर में हमको मेजर करना है, तो वहाँ पे हमको हाथ नहीं जा रहा है, हमारा कोई टूल से मेजर नहीं, देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हमें टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। जैसे टेलीस्कोपिक गेज क्या है, टी का जैसा रहता है, एक साइड में फिक्स रहेगा और जो एक साइड में ऐसे फ्लेक्सिबल टाइप का रहेगा, तो उसको फ्लेक्सिबल वाले ऐसे दबा के अंदर डालेंगे तो जाके उधर अपना टी का जैसा रहेगा, वो ऐसे बाहर निकलेगा, और उसके बाद से हम पीछे से उसको लॉक कर देंगे और उसको निकाल के फिर हम आउटसाइड माइक्रो से या वर्नियर से उसको मेजर कर लेंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि हमारा इनसाइड में कितना है। इस तरह से उसका टेलीस्कोपिक गेज का यूज होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वाटर लेवल और स्पीड लेवल के बारे में जान लेते हैं। तो स्पीड लेवल जो होता है आप देखते ही हैं, कहीं पे भी हमेशा कोई भी इक्विपमेंट हो तो ज़्यादातर नॉर्मली लेवल करने के लिए हमें स्पीड लेवल का यूज करते हैं। तो स्पीड लेवल का जैसे एक्यूरेसी होता है 50 डिवीजन का, 0.5 डिवीजन, यानी 0.5 डिवीजन हो गया, मतलब 50 डिवीजन हो गया, 1 mm का आधा हो गया। तो जो स्पीड लेवल का एक्यूरेसी होता है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज का स्पीड लेवल भी होता है, 150, 300, 1 मीटर, 2 मीटर, जितना बड़ा आवश्यकता आपको लगे उतना बड़ा स्पीड लेवल आपको मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं वाटर लेवल का। तो जो दोस्तों वाटर लेवल होता है, इसका लेवल भी चेक करना होता है काम, और रिफ्रेश पॉइंट है, जैसे एक जगह एक पॉइंट है हमारा, उसी पॉइंट को हमें दूसरा जगह में ट्रांसफ़र करना है, तो उस जगह पे हमें वाटर लेवल का भी यूज कर सकते हैं।
तो ये वाटर लेवल होता है, इसका एक्यूरेसी होता है जैसे 80 डिवीजन तक होता है, 0.8 डिवीजन, 0.80 डिवीजन, तो ये हमारा 80 डिवीजन इसका एक्यूरेसी होता है, 80 से 85 75 इसी के बीच में आता है इसका दिया गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे डंपिंग लेवल के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं कि डंपिंग लेवल का भी सेम जो वाटर लेवल का प्रोसीजर है उसी के आधार पर डंपिंग लेवल भी है। तो डंपिंग लेवल का भी काम है जैसे एक रिफ्रेश पॉइंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, एलिवेशन चेक करना, एलिवेशन मतलब हो गया हाइट, हमारा जो ड्राइंग में एलिवेशन दिया है वो आपको डंपिंग लेवल से ही चेक होता है। और उसके बाद से उसका और काम है जैसे मान लीजिए हम पैडिंग करते हैं, जैसे आप जानते हैं कोई भी इक्विपमेंट डायरेक्शन करने से पहले उसका पैडिंग होना होता है, तो जो पैडिंग करते हैं उसके लिए भी हमको डंपिंग लेवल का ज़रूरत होता है, वहाँ पे भी हम डंपिंग लेवल यूज करते हैं। तो डंपिंग लेवल का भी सेम काम है, रिफरेंस पॉइंट ट्रांसफ़र करना या लेवल करना, लेवलिंग चेक करना, तो ये सब चीज़ डंपिंग लेवल का काम है। उसका भी एक्यूरेसी होता है 50 डिवीजन, 0.5 डिवीजन, जो डंपिंग लेवल का एक्यूरेसी होता है वो 0.5 डिवीजन होता है। अब हम बात करते हैं थेडोलाइट के बारे में। तो ये जो दोस्तों थेडोलाइट जो होता है उसका क्या काम होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे देखते हैं कि प्लांट में बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट भी आता है, बड़ा टैंक आता है, बड़ा वेसल आता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर का कॉलम आता है, तो ये सब चीज़ का अलाइनमेंट करने के लिए हमको थेडोलाइट का ज़रूरत होता है। तो जैसे आप देखते हैं कि बड़ा वेसल है उसका अलाइनमेंट करने के लिए इक्विपमेंट का जो आदमी रहेगा उसके पास उतना बड़ा तो स्पीड लेवल मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या होता है उसके लिए हमें थेडोलाइट का ज़रूरत पड़ता है। तो थेडोलाइट से हमको पूरा बराबर बराबर हमारा जो आउट जितना रहेगा वो बताएगा, डिवीजन तक भी बताता है कितना डिवीजन में आउट है, कितना mm आउट है। तो इस तरह से आप थेडोलाइट का भी यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाए। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।